आज मणिपुर जल रहा है, रेप हो रही है मणिपुर में, मकान जला है, और आप वहां मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं कि जब इनके समय में इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई मणिपुर में, तब इनके प्रधानमंत्री कहाँ थे? तब क्यों इनके एमओएस से जवाब दिया? तब कहाँ पे थे इनके मंत्री? तब हो भी नहीं। देखिए, जब इतने लोग, इतने रिप्रेजेंटेटिव्स 267 के तहत नोटिस सतत चार दिन से देते आ रहे हैं, और ऐसा ये पहली बार तो नहीं है, इस सदन में भी जब एनडीए सरकार थी, बीजेपी सरकार थी, 2016 में उन्होंने स्वीकार करके चर्चा को उन्होंने एक चांस दिया, फिर लोकसभा में भी अनेक, जब कांग्रेस पार्टी थी तो उस वक्त भी ऐसा दिया गया, लेकिन आज मणिपुर जल रहा है, रेप हो रही है मणिपुर में, मकान जला है, और आप वहां मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं, हाँ, इंडिया मींस ईस्ट इंडिया बोल रहे हैं, इंडिया ऊपर जिस किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार, किसी भी बहन, किसी भी बेटी, किसी भी महिला, किसी भी बच्ची के ऊपर किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार होता है, तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हमारी बहनें, महिलाओं के ऊपर जो प्रताड़ना, जो उनके साथ दुर्व्यवहार राजस्थान में हो रहा है, जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है, जो उनके साथ दुर्व्यवहार तेलंगाना में, पश्चिम बंगाल में हो रहा है, वो भी उतना ही दुर्भाग्य। प्रधानमंत्री दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे, ये सुनने को तैयार नहीं है। गृह मंत्री जी जब बताएंगे कि जब इनके समय में इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई मणिपुर में, तब इनके प्रधानमंत्री कहाँ थे? तब क्यों इनके एमओएस से जवाब दिया? तब कहाँ पे थे इनके मंत्री? तब होम मिनिस्टर क्या कर रहे थे? इसी सदन में बैठे हैं, लेकिन इनका विफलताएं छुपाने के लिए ये इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। देश जानना चाहता है, पूरा देश जानना चाहता है कि इनका जो कारनामे है वो कारनामे सामने आए। छत्तीसगढ़ पे भी चर्चा हो, राजस्थान की बहन बेटियों पर चर्चा हो, मणिपुर पे भी चर्चा हो, और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से एक के बाद एक हत्या हो रही, महिलाओं का बलात्कार हो रहा, बच्चों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा, जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में चुनाव के समय बहुत लीडर ऑफ अपोजिशन, प्लीज प्लीज नाउ टेक योर टाइम।